हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन। सी मेरा नाम है देवियर। सो गाइस, आज के मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ लोकल फॉर दी वोकल। जी हाँ, तो देखिए, हमारे पीएम ने जो है एक तरह से नारा दिया था कि सारे जितने के जितने हमारे लोकल प्रोडक्ट्स है वो आपको यूज करने और जितनी फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो आपको कम करने। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियो डिटेल में देने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन 2020। जी हाँ, तो देखिए, हम अपने इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही तभी हमारा ये वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो इंक्रीज होगा, राइट। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट के अंदर बहुत ही मतलब पावरफुल सेशन होने वाला है और काफी मैं आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस होते हैं। सेकंड चीज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी कंपनी जो है सेटअप करनी है, अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन करना है अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, कैसे आपको आईसी कोड के लिए जो है अप्लाई करना है, कैसे आपको आरएमएमसी सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अपना प्रोडक्ट को चूज करना है, कैसे आपको मार्केट फाइंड करनी है, कैसे आपको लिस्टिंग करनी है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको बायर्स ढूंढने हैं, कैसे आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट या ऐसे टूल है जो आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हेल्प करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इसमें देखिए, बेसिकली चार तरह के जो है एक तरह से मॉडल जो है आते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। पहला आता है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, जिसको आप कह सकते हैं कि इनका काम क्या होता है। ये बेसिकली एक नीश बेस्ड कंपनी होती है जो कि क्या करती है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है और आप जो है अपने इंडिया के अंदर अभी तक सेल आउट कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि इंटरनेशनली मैं एक्सपेंड कर सकूं, तो आप क्या कीजिए, एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कीजिए। वही आपका पूरा का पूरा काम करेगी बायर को फाइंड करने से लेकर आपके प्रोडक्ट को उस कंट्री तक पहुंचाने तक। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक ही कंपनी जो है पूरा का पूरा मैनेज करेगी, जिसको एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। और ये नीच बेस्ड कंपनी होती है, मतलब क्लोथिंग की अलग हो गई, आपका कोई और प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अलग कंपनीज हो गई, तो ये नीच बेस्ड कंपनी पूरी की पूरी तो एक तरह से काम करती है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी। तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर क्या होता है गाइस, बेसिकली ये लोग जो है बेसिकली कहीं से भी प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, मतलब इंडिया से भी खरीदते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं बाहर से, और अपने उन प्रोडक्ट्स को वापस रीपैकेज करते हैं, अपने ब्रांड नेम से लेबलिंग करते हैं, अपनी लेबलिंग करते हैं पूरी की पूरी, और एक्सपोर्ट करते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर। जी हाँ, तो क्या किया, इंपोर्ट किया पहले या तो अपने लोकल किसी मतलब इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को उन लोगों ने बेसिकली मैन्युफैक्चर से पूरा का पूरा लिया, वहां पे रीलेबल किया, अपनी लेबलिंग लगाई और उसको एक्सपोर्ट किया, या फिर किसी दूसरी मान लीजिए चाइना से या कहीं से भी किसी भी कंट्री से मतलब इंपोर्ट किया और उसको वापस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो तीसरा जो मॉडल होता है उसमें कहलाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे माल खरीदते हैं और उनका माल जो है एक्सपोर्ट करते हैं कमीशन बेस पे। जी हाँ, तो यहाँ पे कमीशन बेस भी चलता है, या क्या करते हैं ये पहले बाई कर लेते हैं, और बाई करने के बाद क्योंकि इसमें मिडिल मेल ज्यादा होते नहीं है, राइट, मतलब सीधा जो मैन्युफैक्चरर से आपने बाई किया और सीधा ही उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी काफी अच्छे मार्जिन यहाँ पे कमा सकते हैं। जो चौथा टाइप होता है वो होता है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट, मतलब सिंपली क्या 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 कोई प्रोडक्ट है और आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप सीधा ही डायरेक्टली जो उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये चौथी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब बात करूंगा कि अपनी कंपनी को कैसे सेटअप करना है, कि किस तरह की आपको कंपनी बनानी चाहिए। तो देखिए, हम लोगों की जो एडवाइस रहती है, हम लोग माय ऑनलाइन सी कंपनी रन करते हैं जहाँ पे काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, हमको हमेशा उसको दो ही एडवाइस करते हैं। तो अगर जिसे मान लीजिए अगर आप अपने आइडियाज को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास में एक स्मॉल ऑर्डर है एक्सपोर्ट का, तो अगर आप 1 पर्सन है तो बेस्ट है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कीजिए, बेसिक प्रोप्राइटरशिप फर्म से। अगर आप 2 लोग हैं तो आप बेसिक पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए फुल टाइम करना चाहते हैं, बिग करना चाहते हैं, आपका विजन जो एकदम क्लियर है कि मुझे 5 साल तक तो सिर्फ यही करना है, तो बेस्ट रहेगा आप प्राइवेट कंपनी बनाइए प्रॉपर तरीके से, और 2 पर्सन के साथ में आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अगर आप 1 पर्सन भी है तो अपने किसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड करके आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आप एक सीए भी हायर कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट माय ऑनलाइन सीए के थ्रू भी ये सारी चीजें लो कॉस्ट के ऊपर करवा सकते हैं। अब बात करूंगा कि आपको जीएसटी और आईसी कैसे लेना है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मैंने जो 4 टाइप के आपको बिजनेस मॉडल बताए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जितने भी टाइप के होते हैं, उसमें आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा और साथ में आपको एक आईसी कोड भी लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपने जैसे कंपनी बनवा ली, चाहे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद में क्या करना है, आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट भी क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एक स्पेशल फीचराइज करंट अकाउंट होता है, जिसमें आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की ये सारी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए और उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए जीएसटी और आईसी के लिए एक साथ। जी हाँ, उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा। तो जीएसटी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वहां पे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा अपनी कंपनी या फर्म के नाम पे। उसके बाद में आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे आईसी कोड के लिए अप्लाई करना है, तो 10 डिजिट का आपको आईसी कोड नंबर मिलता है, और इन दोनों को लिंक करना जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे हमारे क्लाइंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है,
कि वो अपना माल जब एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम्स में क्लियर करने में प्रॉब्लम ये आती है कि उनका आईसीओ जीएसटी जो है वो लिंक नहीं होता है। तीसरी जो चीज बताना चाहूंगा कि जब आप जो ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं डीजीएफटी की वेबसाइट पे, बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप माई ऑनलाइन सीए के भी थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा आरएमसीसी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखिए, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सर्टिफिकेट जो है एक तरह से ऑप्शनल होता है, सभी को लेना कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मेनली जैसे मैंने बताया आपको लीगल के अंदर से आपको अपनी कंपनी बनानी है, उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है, अपना आईसी कोड लेना है और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये सारी चीजें कंपलसरी है। लेकिन आरएमसीसी जो एक तरह से ऑप्शनल है, तो ये क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली जो एक्सपोर्ट काउंसिल होती है उनके थ्रू आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट मेनली 2 पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कोई ऐसा पर्सन जो ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, जहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज है, अगर एक्सपोर्ट काउंसिल की कुछ फैसिलिटीज होती है, क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, राइट, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक लेना, जीएसटी क्रेडिट लेना, ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको जो है ये लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसका नाम है आरएमसीएमसी। और ये डिपेंड करता है कौन सा आप प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग अलग एक्सपोर्ट काउंसिल बनी हुई होती है, तो उनके थ्रू आपको जो है अप्लाई करना होता है, लेना होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। मान लीजिए अगर आप फूड प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं और फूड प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फैसिलिटेशन लेना पड़ेगा। अगर मेडिसिन वगैरह या सैनिटाइजर या मास्क वगैरह ऐसी चीज हो गई, तो आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं कुछ कंट्रीज की बात करूं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपको एफडीए लाइसेंस चाहिए, जीएमपी सर्टिफिकेट हो गया यूरोप का, और उसके अलावा एक हलाल सर्टिफिकेट चलता है जो कि सऊदी के अंदर चलता है, गल्फ के अंदर चलता है। उसके अलावा बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी की जेन्युइनिटी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली ऑप्शनल होती है। तो बेस्ट रहेगा आप पहले इनिशियल चीजों से स्टार्ट कीजिए और ऑन द लेटर स्टेज आप जो है फर्दर जो है अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बात करूंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे आपको मार्केट फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप प्रोडक्ट वगैरह जो अपना आराम से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो चीज है वो कि प्रोडक्ट आपको ऐसे फाइंड करने जो रेस्ट्रिक्टेड ना हो, जो प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर ना हो। तो आपको सबसे पहले आपको जो इसके ट्रेंड जो है आपको पता करने पड़ेंगे कि इंडिया से सबसे ज्यादा माल कौन सा एक्सपोर्ट होता है, कौन कौन से किस किस टाइप के प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट अपना एक फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे यूरोप को मार्केट में बेचना है, मुझे गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना है, मुझे कहाँ पे है। तो वो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि बेसिकली वहां की पॉलिसीज क्या है। मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है वहां पे जो गवर्नमेंट है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो आपको रिलैक्सेशन दे रही हो, मतलब काफी सारे अच्छे क्रेडिट्स वगैरह दे रही हो, अच्छी फैसिलिटीज दे रही हो, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूंगा, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, tradeindiaportal.com करके। तो इस देखिए इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए खास बात इस वेबसाइट की क्या है कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, आपको ट्रेंड मालूम करने कौन सा प्रोडक्ट या मान लीजिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे आप फ्रंट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे एक एचएसएन कोड या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो देखिए एचएसएन कोड निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपली गूगल कीजिए और उस प्रोडक्ट के आगे लिखिए उसका एचएसएन कोड, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सा एचएसएन कोड है। जैसे मैं से ऑलरेडी मेरे पास एक 8504 एक एचएसएन कोड है, तो उसको जैसे मैं सर्च करूंगा तो ये देखिए ये बेसिकली एक तरह से चार्जर फॉर मोबाइल था कि मोबाइल के जो चार्जर का एचएसएन कोड है, तो यहाँ पे मैं पता कर सकता हूँ कि चार्जर फॉर मोबाइल कितना इंपोर्ट होता है और कितना एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट पे, जैसे अगर मैं इंपोर्ट की जानकारी लेना चाहूँ तो इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे ये टैरिफ वगैरह सारी चीज बता देता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने के बाद में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इंपोर्ट, देखिए टॉप 25 कंट्रीज मुझे बता दी गई है कि कौन कौन सी कंट्रीज से ये इंपोर्ट होता है। साथ में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज को और ये पूरा का पूरा आपका जो डेटा है वो निकल के, जिनका टैरिफ है मतलब किस रेट के ऊपर जाता है, कैसे जाता है, इंडिया से किस रेट के ऊपर जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें डिटेल्स आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। जो भी प्रोडक्ट है आपका, आप सिंपल से उसका एचएसएन कोड ढूंढिए, एचएसएन कोड को वेबसाइट के ऊपर इनपुट कीजिए और उसकी सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इंडिया ट्रेड पोर्टल .in करके नाम के। अब आगे चलते आगे बढ़ते, तो आगे गाइस मेरी अगली साइट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बायर्स कैसे फाइंड करने हैं। ये आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, अब मार्केट भी सर्च कर लिया आपने, अब बात आती है कि बायर्स कैसे ढूंढने हैं। तो देखिए आप ट्रेड फेयर्स वगैरह जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ट्रेड फेयर्स हो गई, बायर सेलर्स मीट हो गए, फिर अपनी सेटिंग हो गई, राइट, अपने कॉन्टेक्ट हो गए, एग्जीबिशन में आप जा सकते हैं, बी टू बी पोर्टल्स होते हैं बेसिकली, जैसे इंडिया के अंदर इंडिया मार्ट वगैरह हो गया, वैसे फॉरेन के अंदर उनके बी टू बी पोर्टल्स होते हैं बहुत सारी कंपनियों के, वहां पे आप डायरेक्टरी वगैरह दे सकते हैं, उनके साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मेल कर सकते हैं, बल्क ईमेल चला सकते हैं। तो ये सारे
एक इफेक्टिव टूल्स हो गए। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज है वो है कि आप पीपीसी एड चला सकते हैं, गूगल एड चला सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, गूगल एड्स पे जाके और एक अकाउंट बनाइए। तो मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से गूगल एड्स वगैरह अकाउंट चलाने हैं, वो मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा उसके अंदर। कि वहां पे क्या कीजिए, आप उस कंट्री के अंदर जितनी भी सर्चेज होती है इंडिया से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब जिस भी आप प्रोडक्ट नीच में है, तो उस पर आप एड चलाइए। आपका जो बेसिकली वेबसाइट या जो भी क्वेरी लैंडिंग पेज है वो टॉप के ऊपर दिखेगा आपका क्वेरी पे सर्च करते ही, और वहां से आपके पास में एक लीड जनरेट हो जाएगी। तो वहां पे एक वो टारगेट होगा पूरा बेसिकली बेसिकली। और दूसरी जो चीज है वो है फेसबुक एड। तो फेसबुक एड चला सकते हैं। वहां पे क्या कीजिए आप, फेसबुक एड जो टारगेट जो नीच है, आप एक स्पेसिफिक कंट्री को चूज कीजिए, एक सिटी को, एक पर्टिकुलर एरिया का चूज कीजिए, और वहां पे जितने भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड B2B सेगमेंट है, तो वहां पे एक इंटरसेक्शन आता है, तो वहां पे आपको फाइंड करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो जो है आगे क्रिएट कर दूंगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो चैम्बर इंडस्ट्रीज होती है, जो बेसिकली एम्बेसीज होती है फॉरेन के अंदर, आप वहां पे एक स्पेशली जो है उनको मेल कर सकते हैं कि मुझे लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बायर्स है या एक्सपोर्टर है इंडिया से जो वहां उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका जेन्युइन मेल है तो ऑब्वियसली आपको डिटेल्स मिल जाएगी। साथ में एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। जी हाँ, तो लिंक्डइन को हम लोग बेसिकली ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं इंडिया वाले, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो लिंक्डइन डेफिनेटली यूज होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है अपने फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके इनबॉक्स में जा सकते हैं, यहाँ पे आप उनके ई मेल आईडी वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ तरीके हो गए कि किस तरह से आप बायर्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करूंगा, अब आपको सारी चीजें पता चलेगी कि बायर्स कैसे ढूंढना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस कंट्री के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब मुझे क्या पार्सल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं देखो आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बता रहा हूँ, मतलब दो तरीके यहाँ पे भी। या तो आप सीएचए एजेंट को हायर कर लीजिए, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं, वो आपको सिंपल सा बता देंगे इस कंट्री में आपको हमारे भेजा इतना खर्चा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, एक वेबसाइट है congopod.in। तो चलिए उस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो द बेस्ट इंपोर्ट एंड सर्विस एट वन प्लेस। तो आपको मान लीजिए इंडिया से अमेरिका भेजना है, कहीं पे भी भेजना है, बल्क के अंदर कंटेनर्स भेजने हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कैलकुलेट करके बता देगा रियल टाइम पे, राइट? कि बेसिकली ये जो एक्सपोर्टर है, ये जो कंटेनर है, ये इस दिन जा रहा है, इतनी कॉस्ट लगेगी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे बता देगा। प्लस यहाँ पे आपको डेडिकेट सपोर्ट मिलता है एजेंट्स के थ्रू, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया बेसिकली आप लोगों के लिए कि जो भी अगर आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट जाननी है तो इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ चीजें हो गई जो मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के रिगार्डिंग बताई। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन करके आपकी क्वेरीज जो है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।